नमस्कार सभी भाइयों को। आज जो मैं वीडियो बना रहा हूँ एक सोर्स पर, एबीडीआई मिनी पर, आज मैं एक टूल से हटके एक वीडियो बना रहा हूँ। बहुत सारे भाई के कॉल आ रहा है कि सर मुझे जो चाबी होती है गाड़ी के अंदर, जो कस्टमर के जब आते हैं काम कराने के लिए, तो बहुत सारे भाई पूछते हैं सर इसमें जो आईडी होता है, आईडी चिप दोनों सेम होता है, उसको आईडी बोल ले, ट्रांसपोंडर बोल ले, सेम ही होता है। तो जब हम काम करते हैं तो उस कस्टमर जब आते हैं ना, तो कस्टमर को जो चाबी होता है, पहले उस चाबी को चेक करना होता है कि इस चाबी के अंदर कौन सी आईडी होता है। जब आईडी हम कंफर्म हो जाएंगे कि आईडी मेरा 46 है, 48 है, चादर है, उसके अकॉर्डिंग हम जब सुपर चीफ है मेरे पास, तो वीवीडीआई के माध्यम से हम आईडी बना सकते हैं। अगर एक सुपर चीफ है तो हम उसको बहुत सारा आईडी बना सकते हैं। नहीं तो अगर मैं मार्केट से एक आईडी ले, यानी कि 46 लिए, तो अगर 46 आईडी लिए तो मेरे पास तो 46 आईडी है। अदर कस्टमर आ जाता है और उसके चाबी में 48 है, तो फिर दिक्कत हो जाएगा, क्योंकि मेरे पास तो 46 आईडी है, तो फिर हमको 48 मार्केट से मंगाना पड़ जाएगा, तो काफी प्रॉब्लम होती है। तो अगर आपके पास सुपर चीफ है ना, तो आप 48 बना सकते हैं, 49 बना सकते हैं, 46, बहुत सारी आईडी गाड़ी को बना सकते हैं। इजीली आपका हो जाएगा आईडी बनाना बीबीडीआई के माध्यम से। तो चलिए मैं आपको करके दिखाता हूँ कि सुपर चीफ जो है उसको कितना कितना आईडी बना सकते हैं। बीबीडीआई का मैंने ऑन किया, ऑन करने के बाद फिर हम इसको सेलेक्ट करेंगे ब्लूटूथ को। जैसे कनेक्ट होगा तो इसमें आपका साउंड आएगा, यानी कि आपका कनेक्ट हो चुका। चलिए, ये हमारा सुपर चीफ जिसको आईडी ट्रांसपोंडर बोलते हैं, और ये वीवीडी के आई एक स्लॉट दे रखा है, इस स्लॉट के अंदर हम डालेंगे। अब हम आपको दिखाते हैं कि कौन कौन से आईडी बन सकता है। चलिए देखिए, ये बहुत सारा आईडी दे रखा है। पहले हम इसको चेक कर लेते हैं कि ये हमारा कौन सी आईडी है। तो चलिए देखिए, ये हमारा आईडी हुआ। हम इस आईडी को मान लीजिए कि हम 48 आईडी बना रहे हैं, हमारा कंप्लीट 48, और फिर हम इसको चेक करते हैं कि सही में ये जो आईडी है ये 48 बना है कि नहीं बना है। देखिए 48 आईडी बन गया, पहले हमारा कुछ और आईडी था। चलिए अब ये 48 आईडी बन चुका है, और हमें इसको फिर आईडी को चेंज करते हैं। मान लीजिए हमारा दूसरा कस्टमर आ गया, उस आईडी में है 46, जो कस्टमर है उसका चाबी जो है, चाबी के अंदर जो आईडी है 46 है। चलिए मैं 46 आईडी बना रहा हूं। ये हमारा 46 आईडी। चलिए पहले मेरा 48 था, अब हमारा 46 आईडी ये बन चुका है। ये देखिए 46। चलिए फिर आपको अगर 46 आईडी है, चलिए मैं आपको एक और आईडी बनाता हूं 47। ये देखिए 47। चलिए मैं बनाता हूं महिंद्रा एक्सयूवी 500।
चलिए ये भी आईडी आपको कंप्लीट हो गया। फिर आप उसको चेक कर लेते हैं कि सही में ये आईडी बना है कि नहीं 47। चलिए ये देखिए 47 आईडी आपका बन चुका है। अब आईडी आपको दिखा दिए कि सुपर जो चीफ होता है हम बहुत सारा आईडी बना सकते हैं। तो पहला जो आपको काम करना है, जो भी कस्टमर है बोलता है कि सर मुझे चाबी बनाना है, तो पहले उस कस्टमर को जो गाड़ी के चाबी है पहले उसको हम चेक करेंगे ये VVDI के माध्यम से कि उस चाबी के अंदर कौन सी आईडी है। जब आपकी कंफर्म हो जाएगा कि हाँ ये चाबी के अंदर हमारा 48 है, 46 है, 49 है, तो आप इजीली आप सुपर चीप को आप आईडी बना सकते हैं। नहीं तो बहुत लोग होते हैं कि 46 आईडी है और पता नहीं रहता क्योंकि आपके पास VVDI नहीं है, तो 46 आईडी है तो आप 47 डाल के और हम की प्रोग्रामिंग काम करते हैं उस टाइम लिखता है नॉट सक्सेसफुल, और आपकी जबकि आप टूल से प्रोसेस सही कर रहे हैं फिर भी नॉट सक्सेसफुल होता है। तो यही दिक्कत आती है कि 46 आईडी है और 48 हम चाबी को की प्रोग्रामिंग कर रहे हैं, तो उसके वजह से भी दिक्कत आती है। चलिए सुपर चिप्स आपको कंफर्म हो गया कि क्या चीज है क्या नहीं है और VVDI के माध्यम से आप वो चीज कर सकते हैं।